अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सी सी डी डी ओवर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स ए ए एंड बी बी। इट मीन्स कि इट वॉज सिंपल रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। नाउ व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रेशियो, हाउ डज इट हेल्प अस इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और कैसे हमें बाकी चीज़ों के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प आउट कर सकता है। This Kc or equilibrium constant, it determines the equilibrium concentration of equilibrium mixture going the initial concentration of the reactants. अगर हमें reactants की initial concentration के बारे में पता हो कि हमने कितना concentration किसी भी reactant की ली हुई है, तो we can easily determine कि what will be the concentration of the equilibrium mixture. Equilibrium mixture के अंदर जो reactants और products दोनों मौजूद होते हैं, उसकी क्या concentration होगी, कितनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स होंगे, कितनी कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट्स होंगे, वो सारे हम इससे मालूम कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि वेदर दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द फॉरवर्ड, हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर कर सकती हैं, वो भी हम बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर हमें ये भी पता चल सकता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने एक्सटेंट तक जाएगा, हमें इसमें से कितनी यील्ड मिलेगी, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कितनी देर बाद मिलेंगे। तो इट कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इट कैन प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर हम कोई भी चेंज प्रोड्यूस करते हैं, वेदर इट इज टेम्परेचर, वेदर इट इज प्रेशर, कोई भी चेंज इसके अंदर लेकर आते हैं, तो उसका असर क्या होगा, इट कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज इन कंडीशन। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। मैं आपको एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर देती हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट डिटरमिन्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर आपको इनिशियल रिएक्टेंट्स के इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में पता है, तो यू कैन डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। फिर केमिकल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, केमिकल रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा, कितना यील्ड हमें दे सकता है, या फिर उसके अंदर जो जो चेंजेस हम प्रोड्यूस करेंगे उनके इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर क्या असरात होंगे, इन सब का हमें केसी से ही पता चलता है। वी कैन डिटरमिन दीज, वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन डिटरमिन दीज थिंग्स बाय नोइंग केसी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर है एक इक्वेशन, मैंने आपके लिए लिखी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट टू गिव अमोनिया। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि हेबर नामी एक साइंटिस्ट जो था, इसीलिए इसको फर्स्ट टाइम इस मेथड से अमोनिया बनाया था, तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में हमारे पास नॉर्मली जब इस इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन पहुंच जाता है, हमारे पास 33% अमोनिया प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू होती है, और इस तरह इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमारे पास 33% अमोनिया जो है वो आता है। फिर उसके बाद अगर हम इसका प्रेशर हाई कर देते हैं, अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं और फिर उसको ठंडा कर देते हैं इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर, तो हमारे पास 98% अमोनिया आ जाता है। इसका मतलब है कितना डिफरेंस है, अगर हम इसको एज इट इज नॉर्मल रूटीन मेथड से जाने दें तो हमारे पास 33% अमोनिया आता है, जो कि इंडस्ट्रियली हमें फेवर नहीं करता, इंडस्ट्रियली हमारे कितना प्रॉफिटेबल नहीं होता, एक मेथड इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम हाई प्रेशर अप्लाई करें और इसको एकदम से इक्विलिब्रियम मिक्सचर को ठंडा कर दें, तो इसका इससे हमें 98% अमोनिया मिल सकता है। इसी तरह हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन है, सल्फर रिएक्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। दीज टू इक्वेशंस या दीज टू केमिकल रिएक्शंस
they are one of the, they are taking place in the manufacturing of H2SO4. अगर आपने कभी पढ़ा हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. पाकिस्तान में दिस H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड. इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ SO3 प्रोड्यूस होती है. और अगर हम इसमें यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो डिफरेंट चेंजेस प्रोड्यूस कर सकें, इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस डालें, फॉर एग्जांपल 450 डिग्री का टेम्परेचर ले जाए, 200 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर ले जाए, इसके अंदर ये वेनेडियम पेंटोक्साइड डालें, हम इसमें से 100% H2SO4 ले सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ KC वी कैन इम्प्रूव आवर यील्ड. हमें पता हो सकता है कि हमने कितना ज़्यादा इसमें से प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो भी हमें पता चल जाते हैं कहाँ पे कौन कौन सा चेंज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम का जो वो है एक कांस्टेंट, वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, कहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, और वहाँ से हमें कितनी यील्ड मिल सकती है, कौन कौन से केमिकल चेंजेस हम इसके अंदर प्रोड्यूस करें, कौन कौन से हम इसके अंदर डिफरेंट फिजिकल चेंजेस डालें, तो हमें इंडस्ट्रियली कितना फ़ायदा हो सकता है. ये चीज़ एक केमिकल कांस्टेंट जो है मेनली, ये हमें इससे इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग हेल्प इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑल्सो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न दिस 4 points so that you may apply it in different chemical reactions. Thank you.